हर्षवर्धन जी, अब आप बताइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि महामहिम राष्ट्रीय गान मिथिलेश जी फौरन शुरू कर दीजिए। महामहिम अपनी मसरूफियात की वजह से तशरीफ ले जाना चाहते हैं। सब लोग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगदित नंदन, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन मंगल दायक जय भारत भाई विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महामहिम अपनी बेइंतहा मसरूफियात की वजह से महामहिम तशरीफ ले जाना। जितना वक्त उन्होंने हमारे इस जलसे को दिया, हम उनके शुक्रगुजार ही नहीं एहसान मंद रहेंगे। अब यहाँ से तकल्लुफात इन बड़ी शान शौकत से मनाने के लिए केक का इंतज़ाम कर रखा है, और जाहिर है उसमें हम लोगों का भी कुछ हिस्सा होना ही चाहिए। जन्मदिन है तो इस खुशी में जो कुछ भी तकसीम होगा उसमें सब शामिल रहेंगे। हर्षवर्धन जी लाइए। Thank you.
नीरज जी के बारे में कुछ ख्याल का इजहार फरमाएं। और आज जन्मदिन है शिवपाल यादव जी का, उनको वो दुआएं दें, इसलिए कि वो बहुत उम्र में बड़े हैं। आदरणीय नीरज जी, एक सेकंड, नीरज जी की बेटी हैं डॉक्टर कुंदन और अच्छा पुत्र वधु अच्छा वसुला प्रभाकर, ये माननीय शिवपाल जी को पुष्प पेश करेंगी, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। एक बेटी है, बहू है, ये लोग खुशकिस्मत हैं कि बहुत बड़े बाप की बेटी हैं ये सब। क्या वही ये तो इज्जत माँ उदय प्रताप सिंह साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उनके बारे में मैं बहुत कुछ कहा करता हूँ, मैं आज भी समझता हूँ कि हमारा कंपोजिट कल्चर जो है, मिली जुली तहजीब जो है, जिसमें गंगा की पाकिजगी और जमुना की दोषिजगी शामिल है, ये उनके व्यक्तित्व ने इन खूबियों को अपने अंदर समाहित कर लिया है, जज्ब कर लिया है। उनसे गुजारिश है कि नीरज जी के बारे में अपने ख्याल का इजहार करें और शिवपाल जी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई अपने अंदाज में दें। आज लल्लारा जी का भी जन्मदिन है और आज शिवपाल सिंह का भी जन्मदिन है और आज नीरज जी की तीन किताबों का विमोचन हुआ। मैं पहले तो नीरज जी को बधाई तो दूंगा ही, मैं मेरी स्मृति में मुझसे कहा गया कि बोलो, अगर मैं नीरज जी पे मैंने बोलना शुरू किया तो हो सकता है कि 40-45 मिनट सहज बोल जाऊँ, पर मैं उतना सब नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ऐसा प्रतिभा संपन्न और बहुमुखी प्रतिभा का कभी हिंदी में कम से कम दूसरा नहीं हुआ है। दिनकर जी निराला जी के बाद की बात कर रहा हूँ, बच्चन जी के बाद हिंदी को इतनी लोकप्रियता किसी कवि ने नहीं दिए। 1953 में जब मैनपुरी में हिंदी सम्मेलन हुआ था उसमें भी गवर्नर साहब आए थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, और वहाँ के राजा गोविंद राम सिंह ने वो समारोह किया था, उसमें महादेवी जी थी, उसमें निराला जी थी, उसमें शुभमंगल सिंह सुमन थे, वो संचालन कर रहे थे, और नीरज जी ने काव्य समारोह का प्रारंभ किया था और निराला जी ने उसका अंत किया था। मैं उस समय इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था और सामने बैठ के अपने परिवार के साथ नीरज जी को पहली बार सुना। तब से मैं भी कब मंच पर जाने लगा, कुछ दिनों के बाद 5-6 साल बाद मैं उनसे कविता के मामले में 6-7 साल छोटा होऊंगा, लेकिन उनके साथ जब मैं रहा तो मुझे बहुत सी बातें सीखने को मिली। मेरा एक मुझे नीरज जी कितने प्रतिभा संपन्न है इसका अनुमान आप नहीं लगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि डिवाइन लाइफ जैसी किताब जो अरविंद घोष ने लिखी है, जिसकी अंग्रेजी हमने अंग्रेजी में एमए करने के बाद भी उस किताब का सही सही अर्थ नहीं समझा, नीरज जी ने न उसको केवल समझा बस कई उसके कई जगह उसका अनुवाद ही किया और कह के अनुवाद किया कि ये उसका
से प्रभावित है और कविताएं भी लिखी। आचार्य रजनीश जी उनसे प्रभावित थे, जिससे सारी दुनिया प्रभावित थी उन आचार्य रजनीश जी से, रजनीश जी नीरज जी से प्रभावित थे, इसका मैं गवाह हूं। नीरज जी के अगर आप अंग्रेजी सुन लें तो आपको लगेगा कि नहीं कि ये इन्होंने किसी अंग्रेजी वातावरण से के अतिरिक्त जन्म लिया है। और एक बात आप कितने जानते हैं कि नीरज जी बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार मैं जयपुर से नीरज जी के साथ आगरा आ रहा था कार में, उस दिन मेरा कोई इंटरव्यू हुआ था और वो प्रिंसिपल का इंटरव्यू था। मैंने नीरज जी से कहा कि नीरज जी मैं एक इंटरव्यू दे के आया हूँ, आप मैं मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। नीरज जी ने उसी समय, नीरज जी को याद होगा कि नीरज जी ने एक कागज कॉपी निकाली और एक पेन निकाला और बोले अपनी घड़ी में देखो क्या बजा है। मैंने कहा था भाई बोला बजा, एक घंटे तक ये अपना गुणा भाग करते रहे, हम समझे जाने क्या कर रहे। थोड़ी देर के बाद बोले उदय प्रताप तुम 15 मई से पहले तुम्हारी नियुक्ति संभव नहीं है, 15 मई के बाद ही होगी। अरे हमने की 15 मई में तो अभी 7 महीने पड़े हुए, इतनी देर क्या होगा हमारे, जब सब लोगों ने कह दिया हमारा पहला नंबर है। कहा कि हमने बता दिया सुबह। और एक छोटी सी इंटरमीडिएट की जाने का है कि किसकी वो मार्कशीट की वजह से, ओरिजिनल मार्कशीट की वजह से वो 7 महीने लटका रहा और मेरा अपॉइंटमेंट 15 मई के बाद ही हुआ। ये मैंने नीरज जी को जाके जब कहा, यानी कि महाराज आप भविष्य दृष्टा भी हैं। नीरज जी में एक जो सबसे बड़ी बात है कि स्मरण शक्ति के मामले में उनका कोई जवाब नहीं। उन्होंने जो बचपन में कविताएं लिखी थी वो कविताएं उन्हें आज तक याद है। और मित्रों या क्या ये कोई कम बड़ी बात है कि एक दिल जैसे एक छोटे से गांव में एक बहुत सामान्य परिवार में पैदा होकर जिंदगी के सारे संघर्षों से जूझते हुए नीरज जी ने वो सम्मान पाया जो बड़े बड़ों को नहीं मिलता। नीरज जी ने जितने वो स्वीकार है फिल्मों में रहे और उतने ही वो मुशायरों में रहे, उतने ही हिंदी कवि सम्मेलनों में रहे और इतने ही वो लोगों मित्रों में भी लोकप्रिय रहे। वे अद्भुत व्यक्ति हैं। मैं उन्होंने मुझे सदैव छोटे भाई की तरह से प्यार दिया है, मैंने उन्हें सदा बड़े भाई की तरह मान के उनसे आशीर्वाद दिया है। आज ये बड़ा सुनहरी मौका है कि आज उनकी 3 किताबों का विमोचन हुआ है और इतने भव्य समारोह में हुआ है। मैं उनको एक बार पुनः बधाई देता हूँ, उनके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूँ कि वे जब मैं 100 साल का हो जाऊं तब तक वो जीवित रहे, जिससे कि मैं तब आशीर्वाद उनसे प्राप्त करूं। उसमें थोड़ा स्वार्थ भी है। मैं एक बार पूरे भाई शिवपाल सिंह जी को उनके जन्म दिवस पर बधाई देता हूँ, आदरणीय आदम खान साहब को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त। आदरणीय उदय प्रताप सिंह साहब अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाज रहे थे, बड़ा शुक्रिया। ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जिनके मुंह से निकला हुआ एक एक जुमला अदब और साहित्य का शहपारा बन जाया करता है, इसे हमें याद रखना चाहिए। और उनकी शख्सियत के बाद अगली शख्सियत है मोहतरम श्री शिवपाल सिंह यादव जी की। जाहिर है आज उनका जन्मदिन है तो अपने जन्मदिन पर वो खुशी का इजहार करेंगे, नीरज साहब के बारे में अपने जज्बात पेश करेंगे, लेकिन वो जो कुछ भी कहेंगे वो हमें अच्छा लगेगा, ये उनकी होगी। आदरणीय नीरज जी, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय आजम खान साहब, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय मुनव्वर राणा जी, सरता जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और दोस्तों, आज हमें खुशी है, बसंत पंचमी का शुभ दिन है।
और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विशेषकर मुझको नीरज जी का सम्मान करने का अवसर प्राप्त होगा। और हम कहाँ जाएं? वैसे तो साहित्यकारों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि साहित्यकारों से समाज को, राष्ट्र को दिशा मिलती है। और नीरज जी से तो मेरा, और जब भी हम बैठते हैं उनको सुनते हैं तो वो एक तरह से खुद में ही एक किताब है। और उन्होंने जो भी लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, और मैंने तो कहा जब बहुत से लोगों को सम्मान दिया जा सकता है, खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, राजनीतिक लोगों को सम्मान दिया जा सकता है, तो साहित्यकारों में भी भारत रत्न मिलना चाहिए। और आज हमारी मांग है कि नीरज जी जैसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत कुछ नीरज जी ने लिखा है, बहुत कुछ दिया है, और यहाँ एक जब हम साहित्यकार जो बैठे हुए हैं, जब इनको सुनते हैं, और इन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, और समाज को जरूरत भी है, और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश और इस हिंदुस्तान को, इन साहित्यकारों से बहुत कुछ मिलना है। आज जो हमारे देश के चाहे कर्जा हो चाहे कब्जा हो, तो इसमें भी साहित्यकारों का एक दिशा मिल सकती है। हमारा हिंदुस्तान कर्जा और कब्जे से मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, तभी हम इस अवसर पर और इस आज जो शुभ दिन है, और आज के बाद पतझड़ होकर के जो कोमल कलियां आती हैं, तो आज हमारे तरफ से हम चाहते हैं कि जितने भी समाज के लोग हैं, इनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट आए, हमारी शुभकामनाएं। और नीरज जी जैसे महान शक्ति का हमें हमेशा संरक्षण मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, स्वस्थ रहें, और हमेशा हमें नीरज जी का आशीर्वाद मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम नीरज जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और नीरज जी को भारत रत्न मिले इसकी हम मांग करते हैं। हजरात शिवपाल यादव, आदरणीय अंबिका चौधरी जी से गुजारिश है कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। Thank you.
दोस्तों, अब मैं एक शख्स नहीं एक शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ, एक फ़र्द नहीं एक इनफरादियत को पुकारने जा रहा हूँ, एक व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व से मुखातिब होने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे शख्स से जिसके बगैर हिंदुस्तान का कोई भी चैनल कोई अखबार हो वो उसके जिक्र के बगैर वो अखबार नामुकम्मल है। जनाब आज़म खां साहब की सियासत जो है 30 बरस तक उत्तर प्रदेश की सियासत के जगमगाते हुए रास्ते पर आज़म खां की कुर्बानियों के कदमों के निशाना रोशन है। ये है आज़म खां साहब की शख्सियत। उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा सियासत पर असरअंदाज हो रहा है, इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। उनकी गुफ्तगू में तहजीब की चमक है, वो जब बोलते हैं तो लगता है कि अल्फाज हाथ जोड़े हुए खड़े हैं उनके सामने। मैं उनके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा। मोहतरम आज़म खां, दरअसल हमारा और आपका जो अलीगढ़ का रिश्ता है कभी कभी उसका तासुब होता है। अली जनाब वज़ीर आला मोहतरम और मैं अगर ये कहूँ कि इंतहाई बावकार महफिल है, बहुत ही अच्छे शुरका और जिसे हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। शख्सियात में जिन्हें हम गुरुजी कहते हैं, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, जिनके अंदर अदब का समंदर समाया हुआ और बैक वक्त शायर और कवि होना आसान बात नहीं है। जिन खूबियों से अल्लाह ताला ने आपको आरास्ता किया है उसमें एक बेहतरीन इंसान, एक मुशफिक दोस्त और कम से कम मैं जिसे दिल की गहराइयों से चाहता हूँ, और इसलिए कि मैं आज़ाद हिंदुस्तान का एक बहुत दुखी दिल बाशिंदा हूँ और उन तमाम दुखी दिलों की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ जिनके लिए आपने कहा है न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात को नुकसान सबका। आज की महफिल में हमारे बेकल उत्साही साहब मौजूद हैं और अरसा दराज के बाद आपकी ज्यारत हुई है। कभी राज्यसभा में होते थे तो आपका नियाज हासिल होता था और देखिए क्या लफ्ज़ों का कैसा इम्तजाज कहा जाए। बेकल हैं तो उत्साही नहीं होंगे और उत्साही हैं तो बेकल नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों हैं। ये हमारे अदब की एक अजीब शान है जिससे हिंदुस्तान गज़ल और नज़म की दुनिया में आलम में पहचाना गया। मुनव्वर राना साहब मेरे लिए और आप सब के लिए इंतहाई मोहतरम शख्सियत हैं और न जाने क्यों मैं तो नहीं जानता कभी कभी वो जो कुछ मेरे बारे में कह देते हैं उससे लगता है कि उन्होंने मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों और मोहब्बतों का बोझ और बढ़ा दिया है। आपकी शख्सियत उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरी अदबी बिरादरी के लिए संभाल कर रखने की शह है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, उरूज दे। श्रीमती सरिता शर्मा जी, जिन्हें मैंने पहली बार सफाई में देखा और सुना, देखकर तो थोड़ा सा डर लगा कि जो मुझसे भी एक बारिश सिवा हो उसके कद का क्या आलम होगा, लेकिन आपका जो अदबी कद है वो आपके जिस्मानी कद से कहीं ज़्यादा बुलंद है और हम उसी के मद्दाही हैं। शिवपाल जी हमारे दोस्त हैं,
हमारे सियासत के साथी हैं और आज उनकी जिंदगी का एक साल कम हो गया है। दुआ यह है कि जो साल जिंदगी के बाकी हैं वो खैर वाफियत के हों, सेहत के हों, खुशी मिले न मिले, गम न मिले। एक साल जिंदगी का लो और कम हुआ, एक साल जिंदगी का लो और कम हुआ, अगर ये खुशी की बात है तो शुक्रिया जनाब। अब वो शख्सियत जिनके लिए हम सब जमा हुए हैं, एक ऐसा बुजुर्ग, एक ऐसी शीरी शख्सियत जिसकी जितनी तारीफ की जाए अल्फाज कम होंगे। लोग बड़े यूं ही नहीं बन जाते, पैसे से अगर बड़े बने होते तो हर पैसे वाला बड़ा आदमी होता। और ऐसे लोग जिनके पास हर तरह से दौलत आ गई वो तो न जाने कितने बड़े आदमी होते। लेकिन जितने भी दुनिया के बड़े काम किए, मैं अक्सर कहता हूं कि वो दरमियाना घर के लोग ही हुए, अपने खानदानों से निकले, अपने वालदेन की दुआओं से आगे बढ़े और लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। मैं जब पूरब के दौरे पर था और एक दिल नाम की एक बस्ती पड़ी, तभी मालूम हुआ कि नीरज जी के पास ही एक ऐसा दिल है जो ये शेर कह सकते हैं कि एक दिल जो गया एक दिल के लिए, एक दिल न मिला एक दिल के लिए। हम अपनी तालीबी जिंदगी में नीरज जी को सुनते थे और नीरज जी से डरते भी थे, और इसलिए डरते थे कि आप उस वक्त भी बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े कवि थे। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि कुदरत मुझे ये तोहफा भी अता करेगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे नीरज जी के बराबर बैठने का शर्फ हासिल होगा। मैं अपने आप को उन चंद खुशनसीब लोगों में गिनता हूँ जिनसे नीरज जी अक्सर बहुत प्यार से कान में कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे शख्सियत मेरे जैसे आदमी को जो इतना विवादित हो, मगर एक बात तो है, मैं तो कहता हूं मेरे करीब आइए, मुझको अपना बनाइए या मुझे अपना बनाने दीजिए, मेरी भैंस को वो शोहरतें हासिल हैं जो गालिबन मलका विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिली। आप जरा मेरी भैंसों का नसीब तो देखिए, ये अल्लाह मैं तो अपने नसीब में रश करता हूं, काश मेरा नसीब भी मेरी भैंसों जैसा होता। वाह रे मयारे जिंदगी क्या हुआ, वाह। आज तो एक साहब ने मेरी भैंस का गोबर सर पर उठा रखा है कार्टून में, जरा गौर तो कीजिए मेरी भैंसों का नसीब। कितनी इज्जत अफजाई है जब भी टीवी खोलते हैं तो मैं पीछे मेरी भैंसे आगे, मेरी भैंसे पीछे और उनका गोबर सर पे। मेरी दुआ है अल्लाह से मेरी भैंसों का गोबर उन सबके सरों पर आ जाए जो अभी तक नहीं उठा सके। कितनी खुशी होती है मुझे, बड़ी मसर्रत मिलती है। कहां ले गए अपने स्टैंडर्ड और अपने मियार को, कहां ले गए, दुख होता है। अभी आपने एक मंजर देखा हल्का सा, यहां अधिकार, लेकिन हर बात के लिए एक सलीके की जरूरत है। जहां वो सलीका कम होता है
वहीं फिर तहरीर चौक होता है, और जब तहरीर चौक होता है तो मुल्कों की तकदीरें अंधेरों में चली जाती हैं और रोशनियां तलाश करती रहती हैं, रोशनियों में हाथ नहीं आती। और जब इंसाफ की डोर हाथ से निकलेगी तो आप किसी का इतिहास देखें, चाहे सात समंदर पार से आए हुए लोगों का देखें या मजहबों की बुनियादों पर जिन लोगों ने हुकूमतें कायम की थी, जब इंसाफ की डोर कमजोर हो गई और इंसान इंसान के खून को पानी से और गंदे पानी से भी ज्यादा सस्ता समझने लगा और उसकी अपनी गरज दूसरे की जरूरत से ज्यादा महंगी हो गई, तब उनकी इख्तदार मिट गई। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और एक ऐसे मौके पर जब हम एक बहुत महान शख्स की किताब के इजरा के मौके पर आए हैं, हमें सीख लेना चाहिए उनकी जिंदगी से, उनकी जिंदगी की शीरीनी से, उनके इल्म से, उनकी तालीम से, उनकी सोच से। और जिस तरह वो सबको जोड़कर चलना चाहते हैं कि अगर मेरा पड़ोसी भूखा है तो मुझसे भी ना खाया जाए, हमारे यहां तो मुस्तनद एक हदीस है इस पर, मुस्तनद हदीस है कि जब तक तुम्हारे पड़ोसी ने खाना नहीं खाया, पड़ोसी वो नहीं जिसका नाम रहीम हो, पड़ोसी वो जो राम हो, लक्ष्मण हो, कोई हो, अगर उसने खाना नहीं खाया है तो तुम्हारा खाना तुम पर हराम है। ये एक ऐसा मौका है जब हम ऐसी बुलंद शख्सियात के किरदार से बहुत सबक हासिल कर सकते हैं। और नीरज जी की 90 साल की जिंदगी का ये अंथक सफर, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस उम्र के बावजूद भी नीरज जी में कितनी हिम्मत है, किस हौसले और मेहनत के साथ, जुरत के साथ यहां बैठे हैं और किस खुशी के साथ यहां बैठे हैं। 90 साल के बुजुर्ग को आपने कम ही इस तरह से देखा होगा, क्योंकि उनके अंदर जो यकीन है, जो इतमाद है, जो इस्तकलाल है, वही दरअसल उनकी कामयाबी का आईना है। और हमें इस आईने में अपनी शक्ल को कभी ना कभी जरूर देखना चाहिए। लोग यूं ही बड़े नहीं बन जाते, उनके बड़े बनने के पीछे एक लंबी तारीख होती है, एक लंबा इतिहास जो खुशियों का ही नहीं बल्कि बहुत कड़वाहटों का, दुखों का और कांटों अंगारों से गुजरा हुआ होगा। अक्सर लोग समझते हैं कि फला शख्स इतनी बड़ी कुर्सी तक पहुंच गया, लेकिन उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसने कितने जतन किए होंगे ये लोगों को नहीं मालूम होता है। इसलिए मैं सलाम करता हूं और मैं सल्यूट करता हूं और इन तमाम अकीदतें नीरज जी को पेश करता हूं। मैं अब उम्र के उस मंजिल में जरूर हूं, न सही बहुत बुजुर्ग, लेकिन उम्र की उस मंजिल में जरूर हूं कि मैं अपने उन चाहने वालों को जिनकी शख्सियत से मैं इंतहाई मुतासर हूं उनके लिए दुआ कर सकूं। मेरी दुआ है अपने मालिक से, मेरे अल्लाह से, कि नीरज जी आप जिए हजारों साल लेकिन सेहत के साथ, और आपकी पुरसुकून जिंदगी हम सबके लिए नेमत बख्शो, मुनाफा बख्शो। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, हम आपसे बहुत कुछ हासिल करते हैं, पूरे समाज को मुनाफा है आपसे और आप हमारे लिए नफे की मशीन हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदा रखे, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे और हमारे साथ आपकी वही मोहब्बतें बनी रहें जो आज भी हमने देखी हैं। इन मोहब्बतों पर किसी की कोई बद नजर न लग सके। मैं आखिर में फिर एक बार इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले और अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। शायर तो बहुत अच्छे हैं और हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज इनसे ये वादा लीजिए हम आप सब मिलकर कि बस ये हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। ये वाकई इतने ही अच्छे इंसान हैं, ये इतने ही अच्छे दोस्त हैं, ये शायर तो अच्छे हैं ही, इतने ही अच्छे दोस्त भी। और जब उम्र की इस मंजिल में आएंगे तो पता नहीं, न जाने हम कहाँ होंगे। बहरहाल नीरज जी के लिए जो मतालबा रखा है या ख्वाहिश रखी है शिवपाल जी ने कि भारत रत्न मिले, नीरज जी भारत रत्न नहीं है, फिर नीरज जी तो विश्व रत्न है। लेकिन क्योंकि ये दुनियावी शोहरतें हैं, लिहाजा नीरज जी का ये कद और ये दर्जा है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन भारत रत्न मिलने के बाद भी
ये हमारा दुनिया का रतन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा रहेगा। इसी के साथ एक बार फिर आप सबका, इस महफिल को मुनक़द करने वालों का और सजाने वालों का और बहुत बढ़िया केक खिलाने वालों का, अगर आज शिवपाल जी का जन्मदिन नहीं होता तो ये घाटा भी हो जाता। कैसे कुदरत किस तरह चीज़ों को सजाती है, संवारती है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नीरज जी को इन बेहतरीन किताबों के लिए, मैं उनके समझता हूँ जो किताबें मुझ तक नहीं पहुँची हैं, मैंने एक छोटा सा मदरसा बनाया है वहाँ चाहूँगा। मैंने कहा था आपसे कि लफ्ज़ों का जो हिंदी उर्दू के अल्फाज का जो मिलन यहाँ मिलता है वो बहुत कम जगह मिलता है। और इस स्टेज पर ऐसी दो शख्सियात हैं, एक प्रोफेसर साहब और दूसरे नीरज जी। एक जुग बाद शबे गम की सहर देखी है, एक जुग बाद शबे गम की सहर देखी है, देखने की न थी उम्मीद मगर देखी है, जिसमें मजहब के हर एक रोग का लिखा है इलाज, जिसमें मजहब के हर एक रोग का लिखा है इलाज, वो किताब हमने किसी रिंद के घर देखी है। वाह वाह वाह, वो किताब हमने किसी रिंद के घर देखी है। यानी आप तस्वीर तो देखिए, शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, वक्त की मेज पे हम दर्द के गुलदस्ते हैं, वक्त की मेज पे हम दर्द के गुलदस्ते हैं। क्या अजब दौर है दुनिया का आजकल लोगों, मिट्टी तो महंगी है इंसान मगर सस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मोहतरम आजम भाई, हम लोगों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, इसलिए हम एक दूसरे से बेतकल्लुक भी हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं और मशवरे भी दिया करते हैं। आजम भाई ने जो नेक मशवरे दिए हैं मैं उसके लिए उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। उनके बारे में मैंने जो बात कही थी अब आप उसकी तस्दीक करेंगे कि वो बोलते हैं तो लगता है तहजीब और सभ्यता गुफ्तगू कर रही हो, वो जब बोलते हैं तो लगता है जज्बात और अल्फाज का एक हसीन संगम जो है आपकी आंखों के सामने, वो जब बोलते हैं तो लगता है कि हज़ारों अल्फाज हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि आज़म साहब मुझे इंतखाब कर लीजिए, अपने मुंह को मुझे अदा कर दीजिए अपनी ज़बान से। ये खूबी है हमारे मोहतरम आज़म भाई की जो मेरे लिए बेइंतहा काबिल कदर और काबिल एहतराम है। उनकी तकरीर आपने सुनी, वो समाजवादी तहरीक और समाजवादी पार्टी की आबरू हैं, इज्जत हैं, वक़ार हैं। अब आइए, मैं जिस शख्सियत को आवाज़ देना चाहता हूँ, एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ आज़म भाई, उदय प्रताप सिंह साहब, मुनव्वर भाई, वो जुमला ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो सबसे कीमती दौलत लेकर के जो पैदा होता है वो होती है उसकी शख्सियत और उसके चेहरे की मासूमियत। इसी मासूमियत को जो शख्स ज़िंदगी भर संभाल के रख लेता है वही महान होता है, वही असीम होता है। हमारे वज़ीर आला, हमारे मुख्यमंत्री एक ऐसी शख्सियत हैं, पूरे हिंदुस्तान के वज़ीर आला को आप देखिए, सबके चेहरे से मासूमियत मैं नहीं कहता कि ख़त्म हो गई लेकिन घट गई है ज़रूर, मगर हमारे वज़ीर आला के चेहरे की मासूमियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ये अजीब व गरीब इनोसेंस है जिस इनोसेंस पर पूरे उत्तर प्रदेश को फख्र करना चाहिए। मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ वज़ीर आला मोहतरम अखिलेश यादव से गुजारिश कर रहा हूँ। जानते हैं राजनीति में हूँ, अब कब तक बचा रहेगा ये सब। आदरणीय नीरज जी,
मंच पे बैठे आदरणीय वैकल शाही साहब, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय मनोबर राणा जी, हमारी सरकार में मंत्री आदरणीय आजम खान साहब, लोक निर्माण मंत्री आदर्श पाल जी, और जो संचालन कर रहे आदरणीय अनवर जलालपुरी जी, पार्टी के नेता मिनी रामरे जी, पार्टी के हमारे कई विधायकगण, सभी साथी, मंच पे बैठे आदरणीय श्रीमती सरिता शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी महानुभाव पत्रकार साथियों, आज का दिन बहुत यादगार दिन बन के आया है, और इसलिए भी कि एक तो त्यौहार है वसंत पंचमी, और कितना समय बदला है, कैलेंडर बाद में बताता है, SMS पहले बता देता है कि आज वसंत पंचमी है, और जब से ये टेक्नोलॉजी आई है कोई त्यौहार बचता नहीं कि एक दूसरे को लोग मुबारकबाद और बधाई देते हैं। वसंत पंचमी का दिन है और आज हम सब लोग बैठ करके नीरज जी के सम्मान में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय नीरज जी को मैंने बहुत पहले से देखा है, बचपन से देखता आया हूँ, और उम्र कितनी है जब से मैं देख रहा हूँ वो वैसे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की चर्चा कर रहे थे कि बगल में जो बैठे हैं वो नीरज जी से भी बड़े हैं, आदरणीय वैकल शाही साहब, तो अब ये कर पाना मुश्किल है कि दोनों लोगों में उम्र किसकी ज़्यादा है, और कई बार बुजुर्ग लोग लड़ाई कर लेते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा है तुम छोटे हो। इतने बुजुर्गों के साथ, और मैं समझता हूँ जब भी बुजुर्गों के बीच आते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है, एक समय के साथ जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को उनसे मिलता है। आज किताबों का अनावरण हुआ है, किताबों का विमोचन हुआ है, किताब मैं समझता हूँ एक इंसान की सबसे खास और सबसे करीबी दोस्त होती है किताब, और आज के दिन जब नीरज जी की किताबों का संकलन का विमोचन हुआ है, नीरज जी केवल हमारे प्रदेश देश के नहीं बल्कि मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा नहीं जो नीरज जी को ना जानता हो ना पहचानता हो। उम्र कितनी भी हो लेकिन 60-70 साल मैं समझता हूँ उन्होंने मंच पे ही गुजारे हैं, कवि सम्मेलनों में ही गुजारा है, इनको सुनने के लिए लोग चले आते हैं। मुझे याद है कि जब सैफई में महोत्सव होता था, हालांकि बहुत सारे कवियों को सुनने आते थे, बहुत सारे कवियों का अपना है, अपनी तरह से कहते हैं बात को, लेकिन कहीं ना कहीं नीरज जी को सुनने के लिए लोग रात भर इंतजार करते थे और दूर दूर से चल करके नीरज जी को ही सुनते थे, और आवाज़ में आज भी उनके वही, हालांकि जो बचपन से सुनते आए बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले सुना होगा, उन्होंने आवाज़ में देखा होगा वही जोश, वही ताकत, वही हिम्मत से दिखाई देती जो आज भी इतनी उम्र के बाद भी उनकी आवाज़ में है। ऐसे लोग जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया, समाज में बहुत सारी अच्छाइयों को, बहुत सारे साहित्य को, बहुत सारी संस्कृति को छिपा करके, बहुत सारे ऐसे पहलू जो इंसान कह नहीं सकता वो अपने शब्दों में उन्होंने ला करके रखे, फिल्मों में इनके गाने गए, फेमस भी हुए गाने, और बहुत फेमस हुए, जो दर्शन इन्होंने अपने गानों में दिखाया, गानों के माध्यम से बताया, अब वो गाने वैसे बनते भी नहीं, और मैं समझता हूँ कोई दूसरा गाना बना भी नहीं सकता जो नीरज जी ने जो गाने दे दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को। तो आज का दिन है हमें सम्मान देने का,
हम समाजवादी लोगों ने हमेशा साहित्यकारों का, कवियों का सम्मान किया है और हर मौके पर किया है। नेताजी ने तो इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ चढ़ के बढ़ाने काम किया। हमारे दोनों लोग आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय नीरज जी, भाषा और हिंदी संस्थान दोनों को अच्छी तरह देखे और जो साहित्यकारों को कभी सम्मान नहीं दे ला पाई सरकारें, वो इन दोनों लोगों ने मिलकर के बहुत सारे कवियों को, साहित्यकारों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। हम अगर भाषा खो जाएंगे, कहीं ना कहीं चुनौती हम लोगों के सामने भी है, समाज के सामने भी, कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें आजकल झटपट आ जा रही हैं, पता नहीं लगता कब आ जा रही हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के सहारे आ जाती हैं और जो आर्थिक रूप से परिवर्तन आ रहा उसके सहारे भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आने वाली पीढ़ी को जो विरासत देके जा रहे हैं, हम सभी नौजवानों की और कम उम्र के लोगों की ये जिम्मेदारी है इस विरासत को आगे के आने वाली पीढ़ी के साथ को बीच कैसे विरासत देकर के जाएं, जो इतनी बड़ी विरासत आप छोड़ के जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है हम सब लोगों की और सरकार में रहकर भी, क्योंकि समाजवादियों की सरकार है तो समाजवादियों की जिम्मेदारी बहुत है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की भाषा, हमारे देश का पहनावा, हमारे देश की तमाम ऐसी चीज़ें जो कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में, देश कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उन चीज़ों को आपने बचाया है। आप कहीं भी गए होंगे, आपने हिंदी भाषा का तो सम्मान बढ़ा ही बढ़ाया है, साथ साथ देश का भी सम्मान आपने बढ़ाने का काम किया, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। और आज का दिन इसलिए भी अच्छा है कि आज आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग जन्मदिन कम मनाते हैं लेकिन अच्छा है, इस बार जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज नीरज जी के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सभी आप सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हुआ एक बार फिर आदरणीय नीरज जी को बधाई देता हूँ और उनके सभी सहयोगी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम कराया, लखनऊ की राजधानी में कराया, जहाँ पर उनके संकलन का विमोचन हुआ है। मैं समझता हूँ बहुत लोगों तक ये बात और ये किताबें पहुँचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने कीमती ख्यालात और अल्फाज से हमें नवाज रहे थे, हमारा जहन रोशन हो रहा था, उनकी आवाज़ और अंदाज में एक खास लहजे की शगुफ्तगी है जिसका लुत्फ हम लोग ले रहे थे। अब अगला प्रोग्राम ये है कि कुछ प्रतीक चिन्ह हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, मोहतरम आजम खां साहब के द्वारा और शिवपाल जी के द्वारा लोगों को मिलेंगे। सबसे पहला प्रतीक चिन्ह जो है वो मिथिलेश लखनवी को, जिन्होंने राष्ट्रगान पेश किया, स्वागत गीत पेश किया। मेरे लिए इज्जत की बात यह है कि मेरी किताब उर्दू शायरी में सैमुअल का आए मोहतरम आजम खां साहब से अपना प्रतीक। फिर तैयार रहे श्री सुभाष शर्मा जी ने, फिर श्री गुंजनन इसके बाद हमारे गीतों और वचनों की आरती और इज्जत जनाब देकर इंसाही की हिम्मत मिली, जो अब हम सब लोगों के लिए एक सरमाया है, एक असर है, एक टीम की दौलत अदब की मोहतरम आजम खां साहब भी खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत बुजुर्ग रहेंगे। आलोक श्रीवास्तव
सरिता शर्मा जनाबे हसन आदमी बहुत अच्छे शायर हैं, वो आ जाए। वो अपना श्री दिनेश रघुवंशी जी भी जनाबे शरफ बाहर निर्मल लखनवी साहब जी तशरीफ लिया है। सम्मेलन शुरू होता है, आप सब लोग जिन्हें शौक कर्म से गुजारिश है जो पहले रहे और उसे सुन जाए। शायरों कवियों से गुजारिश है कि वो आ जाए मंच पर। भाई आ जाइए, हसन कादरी, दिनेश रघुवंशी, राजेंद्र पंडित, शरद पारखी, निर्मल लखनवी, असद राय बरेली, वो भी आ जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी अनुभूति दी। Yeah.
प्रोग्राम का अध्यक्ष मैं जनाब उदय प्रताप सिंह, जो हम सबके लिए बहुत ही इज्जत का अवतार है, हम उनका नाम ऐलान करते हैं कि वो इस प्रोग्राम की सदा सम्मेलन के अध्यक्ष हमारे आदरणीय प्रताप सिंह ने मुक्ति दे दिया है कि मैं प्रोग्राम का संचालन इसकी रुकावट शुरू कर दोस्तों इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा हो जाए, लव को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता यही शब्द होता है, तब के मुंह से निकलता है, लेकिन कृष्ण भगवान शब्दों को अपने मुंह से निकालते हैं तो गीता जैसी महान किताब पैदा होती है जो इंसानियत के लिए दस्तावेज बनती है, इंसानियत के लिए रहनुमा होती है। और तहजीब से शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो शब्द दुआ बन जाए, तो वही शब्दी करते हैं। तो ये जो तो लोग बैठे हुए हैं कल तो शायद की शक्ल में दरअसल इन्हें सलीका कि जज्बात को किस अंदाज से अल्फाज के आगे पिरो करके उसे लड़ी बनाए, उसे फूलों का गुलदस्ता बनाए। आइए मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम में गुजारिश करता हूँ अपना कलाम सुनाने के लिए जनाब यूपी ने बल्कि बम्बई के शहरों में सुना है, आवाम उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लाखों का यकीन से जवाब रहे हैं। रायबरेली से ये कह रहा है किसान
Let's go.